तो फ्रेंड देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं सावन स्पेशल बिना टमाटर, बिना लहसुन, बिना प्याज की आलू की मसाले वाली सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो किसी किसी के घर में लहसुन और प्याज नहीं खाए जाते हैं। तो ये सब्जी आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही झटपट से बनती है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, और बेसन को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब समझ लीजिए हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। आप कभी भी बेसन को भून रहे हों तो इसमें जब खुशबू आने लगेगी तभी बेसन अच्छे से भूनता है। फिर देखिए, बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसमें कलर डार्क नहीं दिख रहा था, लेकिन बेसन का कलर थोड़ा डार्क हो गया था। इसको हम निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल, ये सरसों का तेल है, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैंने सोचा कैमरा ऑन किया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जिसमें हमने तेज़पत्ता डाला था, और हमने डाला था लौंग, और हमने फिर जीरा डाला था, और हमने डाला था बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो सारी चीज़ों को हमने डाला था। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया था अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और डाल करके सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। फिर देखिए कैसे तेल मसाला छोड़ने लगा है। तो मसाले को हम खूब अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम बेसन डालेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें हम बेसन डाल देंगे, और बेसन डाल करके हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और तभी इसको अच्छे से हम फिर से चलाते हुए पकाएंगे। जब हम पानी डाल देंगे तो बेसन थोड़ा अच्छे से भून जाएगा मसाले के साथ। फिर इसमें हमने डाल दिया 2 चम्मच भर के दही। तो दही ऑप्शनल है, आप दही की जगह नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चला दिया। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं तब इसमें हमने डाला है उबले हुए आलू। तो आप उबले हुए आलू की जगह कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उबले आलू से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है और झटपट बन जाती है। फिर देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे आलूओं में। फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से हम चला लेंगे सारी चीज़ों को। फिर इसको हम ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, इसको हम ढक देंगे। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा तब ढक्कन को हम हटाएंगे, और आप देख रहे हैं नीचे मसाला लग रहा है, वो मसाला नहीं, वो बेसन चिपचिपा होता है ना, तो बेसन नीचे से लगने लगा था, पर जैसे ही हमने पानी डाला है वैसे ही चम्मच से अच्छे से खुरच गया था। फिर देखिए, पानी को हमको ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिएगा, जितनी कम ज़्यादा ग्रेवी आपको रखनी हो। फिर देखिए, इसमें पानी डाल करके अच्छे से हम इसको चला देंगे ताकि मसाला पानी सारा इकट्ठा हो जाए बढ़िया से। देखिए, जितनी हमें ग्रेवी रखनी उतना हम पानी डाल देंगे। फिर इसको हम ढक देंगे। तो 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है, तो देखिए कितना बढ़िया सब्जी में उबाल आ गया है 2 मिनट के बाद। ये पके हुए आलू की सब्ज़ी है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अगर आप चाहें तो ग्रेवी में गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया, नॉर्मल पानी था। फिर देखिए, इसको अच्छे से हम चला देंगे। फिर इसको हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद देखिए, हमने ढक्कन को हटाया था, तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी थिक हो गई है। तो हमें जितनी थिक सब्ज़ी रखना है, मैंने कहा था ना कि ग्रेवी हमें उतनी इसमें डालना है पानी को। फिर इसमें देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अब इसमें हम लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो अगर आप व्रत में धनिया पत्ता नहीं खाते हैं या सावन में नहीं खाते हैं तो आप इसको बिल्कुल मत डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बढ़िया सी सब्जी, मस्त सी सब्जी बन करके तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी सब्जी बन करके तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि बिना टमाटर, बिना लहसुन और बिना प्याज की ये सब्जी बन करके तैयार हुई है। फ्रेंड, अगर वीडियो हमारी कहीं से भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक बार ये सब्जी ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।